ये चीजी पेरी पेरी सॉस फ्रेंच फ्राइज को और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाता है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए डीप फ्राई किए हुए फ्रेंच फ्राइज, उसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा पेरी पेरी मसाला और इसे टॉस करके सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। अब इसे साइड में रख दूंगी और पैन में बटर गरम करूंगी, उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा मैदा और उसे बटर के साथ अच्छे से मिला लूंगी। फिर इसमें डालूंगी दूध, थोड़ा सा चीज और इसे अच्छे से लंप फ्री होने तक विस्क कर लूंगी। साथ में ऐड करूंगी पेरी पेरी मसाला, टोमेटो केचप और थोड़ा सा नमक डाल के इन्हें अच्छे से मिला लूंगी और ये चीजी पेरी पेरी सॉस बनके तैयार हो गया है। इस सॉस को गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज के ऊपर पोर करेंगे। इसके ऊपर अब ड्रिजल करूंगी थोड़ा सा मेयोनीज और रेड चिली सॉस। फाइनली गार्निश करेंगे थोड़े पिकल्ड एलिपिनोज और ऑलिव्स के साथ। और ये कैफे स्टाइल चीजी लोडेड पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज अब आप घर पे बना सकते हो। इस रील को सेव करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें।